नहीं रहे महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स उन्हें थी ये खतरनाक बीमारी। ब्रिटिश साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स का 14 मार्च को 76 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी फैमिली के स्पोक्सपर्सन ने खबर की पुष्टि की है। हॉकिंग्स ने ब्लैक होल और रिलेटिविटी के क्षेत्र में काफी काम किया था। उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम दुनिया भर में काफी चर्चित रही। उनके बच्चों ने बयान में कहा है कि वो एक महान वैज्ञानिक थे। उनका काम और विरासत बरसों तक हमारे बीच रहेगा। हॉकिंग्स के बच्चे लूसी, रॉबर्ट और टीम ने अपने बयान में कहा, हमारे पिता का दुखद निधन हो गया है। वो एक असाधारण शख्स थे। उनका साहस और काबिलियत के साथ उनके दृढ़ रहने की क्षमता दुनिया भर में लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। एक बार उन्होंने कहा था कि तब तक ब्रह्मांड बड़ा नहीं हो सकता जब तक ये आपके पसंदीदा लोगों का घर नहीं बन जाता। हम उन्हें मिस करेंगे। हॉकिंग्स पर 2014 में द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बनी। इसमें एडी रेडमैन और फेलिसिटी जोन्स ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। 1974 में हॉकिंग ब्लैक होल्स की थ्योरी लेकर आए। इसे भी बाद में हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जाना गया। हॉकिंग ने ही ब्लैक होल्स की लीक एनर्जी के बारे में बताया। प्रोफेसर हॉकिंग पहली बार थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी लेकर आए। इसे यूनियन ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स भी कहा जाता है। 1988 में उन्हें अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक पब्लिश हुई। 1988 में उनकी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक पब्लिश हुई। इसकी 1 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिकी। 1963 में स्टीफन हॉकिंग जब सिर्फ 21 साल के थे तब उन्हें एमियोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, इसके चलते उनके अधिकतर अंगों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। इस बीमारी से पीड़ित लोग आमतौर पर 2 से 5 साल तक ही जी पाते हैं, लेकिन वो दशकों जिए। स्टीफन हॉकिंग व्हील चेयर के जरिए ही मूव कर पाते थे। इस बीमारी के साथ इतने लंबे अरसे तक जिंदा रहने वाले स्टीफन हॉकिंग पहले शख्स थे। महज 21 साल की उम्र में बीमार होने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और तमाम चौंकाने वाले रिसर्च दुनिया के सामने रखे। हॉकिंग एक व्हीलचेयर के सहारे चल पाते थे और एक कंप्यूटर सिस्टम के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ते थे। 2014 में स्टीफन हॉकिंग की प्रेरक जिंदगी पर आधारित फिल्म द थियरी ऑफ एवरीथिंग रिलीज हुई थी। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने 1965 में प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्सेस विषय पर अपनी पीएचडी पूरी की थी। बेहद दिलचस्प बात यह है कि स्टीफन गणितज्ञ का अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें मेडिकल से जुड़ने की सलाह दी थी। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में गणितज्ञ उपलब्ध नहीं थे, ऐसे में उन्होंने फिजिक्स को चुना। 3 साल बाद उन्हें नेचुरल साइंस में फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री। नहीं रहे महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स, उन्हें थी ये खतरनाक बीमारी। ब्रिटिश साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स का 14 मार्च को 76 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी फैमिली के स्पोक्सपर्सन ने खबर की पुष्टि की है। हॉकिंग्स ने ब्लैक होल और रिलेटिविटी के क्षेत्र में काफी काम किया था। उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम दुनिया भर में काफी चर्चित रही। उनके बच्चों ने बयान में कहा है कि वो एक महान वैज्ञानिक थे। उनका काम और विरासत बरसों तक हमारे बीच रहेगा। हॉकिंग्स के बच्चे लूसी, रॉबर्ट और टीम ने अपने बयान में कहा, हमारे पिता का दुखद निधन हो गया है। वो एक असाधारण शख्स थे। उनका साहस और काबिलियत के साथ उनके दृढ़ रहने की क्षमता दुनिया भर में लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। एक बार उन्होंने कहा था कि तब तक ब्रह्मांड बड़ा नहीं हो सकता जब तक ये आपके पसंदीदा लोगों का घर नहीं बन जाता। हम उन्हें मिस करेंगे। हॉकिंग्स पर 2014 में द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बनी। इसमें एडी रेडमैन और फेलिसिटी जोन्स ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। 1974 में हॉकिंग ब्लैक होल्स की थ्योरी लेकर आए। इसे भी बाद में हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जाना गया। हॉकिंग ने ही ब्लैक होल्स की लीक एनर्जी के बारे में बताया। प्रोफेसर हॉकिंग पहली बार थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी लेकर आए। इसे यूनियन ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स भी कहा जाता है। 1988 में उन्हें अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक पब्लिश हुई। 1988 में उनकी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक पब्लिश हुई। इसकी 1 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिकी। 1963 में स्टीफन हॉकिंग जब सिर्फ 21 साल के थे तब उन्हें एमियोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, इसके चलते उनके अधिकतर अंगों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। इस बीमारी से पीड़ित लोग आमतौर पर 2 से 5 साल तक ही जी पाते हैं, लेकिन वो दशकों जिए। स्टीफन हॉकिंग व्हील चेयर के जरिए ही मूव कर पाते थे। इस बीमारी के साथ इतने लंबे अरसे तक जिंदा रहने वाले स्टीफन हॉकिंग पहले शख्स थे। महज 21 साल की उम्र में बीमार होने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और तमाम चौंकाने वाले रिसर्च दुनिया के सामने रखे। हॉकिंग एक व्हील चेयर के सहारे चल पाते थे और एक कंप्यूटर सिस्टम के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ते थे। 2014 में स्टीफन हॉकिंग की प्रेरक जिंदगी पर आधारित फिल्म द थियरी ऑफ एवरीथिंग रिलीज हुई थी। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने 1965 में प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्सेस विषय पर अपनी पीएचडी पूरी की थी। बेहद दिलचस्प बात यह है कि स्टीफन गणितज्ञ का अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें मेडिकल से जुड़ने की सलाह दी थी। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में गणितज्ञ उपलब्ध नहीं थे, ऐसे में उन्होंने फिजिक्स को चुना। 3 साल बाद उन्हें नेचुरल साइंस में फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री।